कहाँ चला गया? ऊपर, अरे लालटेन, थैंक यू। यहाँ पर देखे लकड़ी का बना हुआ है बैठने का। लाला ممنوعه ممكن ها لا تدخل انسان هيك يا اخي او भाई कहां मैं खाने का दरवाजा। रुको रुको रुको, वीडियो पर आए हो तो प्लीज पूरी वीडियो देखकर जाना। इस वीडियो में आपको हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलेंगी, मैं कहाँ गई हूँ, क्या क्या दिखाई हूँ, वो सब मैं आगे आपको बताती रहूंगी। तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करना, बहुत मजा आएगा। ठीक आ गई है, कुछ खाने पीने का सामान है, पानी है। पानी इतना ठंडा है, सीरियसली तुम फेस पे रख सकती हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं अल हफूफ, ये सऊदी के ही एक सिटी है और जिसका दूसरा नाम अल हसा भी है, लेकिन सऊदी के मैप में आप देखोगे तो अल हफूफ के नाम से ही है। सऊदी में जो सबसे गर्म तरीन इलाका है वो अल हफूफ सिटी ही है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत और हिस्टोरिकल सिटी है। और इसकी खास बात इस सिटी की ये भी है कि सऊदी का सेकंड नंबर सिटी कहा जाता है, जहां खजूर की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। और ये दमाम से 1.5 घंटा की दूरी पर है। तो हम लोग निकल गए हैं वहां अल हफूफ सिटी में। अलकरा माउंटेन है जहां केव गार वगैरह है, गार है, म्यूजियम है जो कि 15,000 साल कबल का है। तो चलें आप लोग साथ देखें। बिजली का जो वो खंभा है ना, वो लकड़ी का बना हुआ है। अरे वाह, बहुत ही यूनिक, बहुत ज्यादा। ये तो गांव वगैरह में नहीं है। खजूर के बागात देखें, ये देखो खजूर के बागात। बस पहुंच गए। अच्छा 20 किलोमीटर अभी। हाँ वो तो है। ये तो खजूर के बागात, आप गौर करें कितने सारे माशाल्लाह। सऊदी जो है अपनी डेट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन सऊदी में यहाँ जो है अल हफूफ में बहुत ज्यादा मतलब खजूर की पैदावार होती है। देखो गर्मी जहां ज्यादा पड़ेगी वहां तो खजूर होगा ही, क्योंकि खजूर गर्म जगहों पे होता है, ठीक है। और ये देखें, ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, तो इसके अंदर वाटरफॉल वगैरह सब कुछ है और लग रहा है कि हाथ से तराश कर बनाया गया है, लेकिन ये सब कुदरती है। कितना खूबसूरत लग रहा है आप बताओ, बहुत खूबसूरत। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, ये अलकरा माउंटेन केव जो हम लोग आए हैं वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन इस तरफ से भी पहले रास्ता था ये, लेकिन ये अभी सील कर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग दूसरी तरफ से जाएंगे। और आपको बता दें कि हफूफ में गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये केव का जो टेम्परेचर है ना, बिल्कुल न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडा है, बहुत मॉडरेट टेम्परेचर है। और चले देखते हैं चल करके। और अभी लंच का टाइम हो चुका था तो हम लोग खाना खाने लगे हैं। कुछ चीजें बाहर से लिए हैं, कुछ चीजें मतलब घर की बनी हुई है, तो बस हम लोग यहाँ पे खाना खाने लगे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना है तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलें जी, खाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं गेट नंबर 1 से आपने दाखिल होना है। और आज मैं आपको ऐसी ऐसी चीज दिखाऊंगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि 15,000 साल कबल की चीजें जो है आपने कहाँ देखी होगी, है ना। तो हमने भी नहीं देखी, तो आज मिलकर देखेंगे। चले जी छांव में आ जाते हैं। अभी जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है तो हम लोग जो है नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद सारी चीज देखेंगे। तो आप लोग वीडियो अगरचे बड़ी होगी लेकिन आप लोग पूरी वीडियो देखना, क्योंकि मैंने सारी चीज एक्सप्लोर की है, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल एंड तक देखना जरूर से। मोहम्मद भी गया है, ये जा रहे नमाज के लिए मस्जिद है, ठीक है पढ़ ले। हाँ जा रहे हम लोग भी, जा रहे हैं। ओके चलो,
चलो ना नमाज के लिए। मतलब चेहरा लाल हो गया बाबू का। इधर बोलो, पहले इधर बोलो, गांव की जैसा है। वाह, यहाँ पर वुमेन था, ये देखो मॉस्क मुसल्लनिसा है, तो यहाँ पे आपने नमाज़ें अदा करनी है जो भी ज़रूरत है। हम लोग भी नमाज अदा कर लेते हैं। ये देखें, ये मस्जिद उधर उधर उधर, बहुत गर्मी भी बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे नमाज अदा करेंगे। ये देखो इंटीरियर, छत जो है ना, छत आप गौर करें, बिनी हुई छत है। देखिए उसी में लाइट्स लगा रखा है, बहुत आला लग रहा है, बहुत अच्छा। पूरा जो है लकड़ी का वो बनाया गया है, और यहाँ पर सुकून लग रहा है। बहुत बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, हम लोग यहीं पे बैठेंगे, नमाज अदा करेंगे। ओके, और हम लोग नमाज पढ़ कर आ चुके हैं। चलो चलो चलो, कहाँ पापुश कहाँ है? चलो जी, नमाज हो गई। यस, ये देखो ये जो बना है ना, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे झोपड़ी वगैरह होती है ना, उसी तरह। और ये फूलों की, थैंक यू। यहाँ पर देखे लकड़ी का बना हुआ है बैठने के लिए, बहुत मजेदार, बहुत ठंडा महसूस। हाँ ठंडा, ऊपर अरे लालटेन, लालटेन तो उन्हें देखा ही नहीं, लालटेन। ये देखे फूस की छत, केची बैठते हैं। मोहम्मद बाबू, क्या अच्छा हाल चाल है? डायरेक्टर मारिया है, प्रिंसिपल, और ये है हेडमास्टर। और आप? मैं विद्यार्थी। चलें जी, आ जाओ, आइसक्रीम लेने जाते हैं। बाहर तो गर्मी बहुत शदीदों की पड़ रही है, लेकिन गार के अंदर जैसा कि मैंने पढ़ा है और सुना है कि टेम्परेचर बहुत सही होता है, तो देखते हैं क्या होता है। ये दो दो दे दो। तुम उधर से लेंगे, मैं तो जो लेती हूँ भाई, बैठे ना। एकदम गांव का लुक दिया है। क्या लग रहा है? लग क्या रहा है? कहाँ आए हैं? गाँव में। अब चलें जो मेन चीज के लिए आए हैं ना, अब चलें आपको गार और उसके बाद म्यूजियम वगैरह दिखाते हैं।
आप जैसे इंटर होगे ना तो आपको लगेगा एक गांव में आ गए। ये पुराना कल्चर दिखाया गया है, ये लकड़ी के खंभे, ये मिट्टी की दीवारें, फूस की छत, आपको यहाँ पर चेयर वगैरह और दिस दैट ये सब नहीं मिलेगा। आपको सारी चीज़ें जो है ना पुरानी चीज़ें दिखेंगी, पुराना कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है। अब जा रहे हैं टिकट्स वगैरह लेने के लिए, अब देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है, मज़ा आएगा आप लोग को। ये इसका काम चेक, मोहम्मद इधर हो, ये टिकट ले लिया है, ये 115 का मतलब टिकट आया है, दो आदमी का और बच्चे जो है ये क्या चीज़ की शॉप है देखिए, अच्छा डेकोरेट करने के लिए शो पीस है। इधर ये देखो, और स्टेयर से ऊपर जाना है, टू द केव इल अल मगारा, इल अल मगारा म्यूजियम। अरे लग रहा है वाकई में गार में आ गए। कहा जाता है कि ये 15,000 साल पहले पुराना है, ये लिखावट है, हाँ राइटिंग है, 15,000 साल पहले की देख, ये जो है ना लिखावट पुराने जमाने में, जैसे पहले जो लिखा जाता था वो तो बैत बुत, अच्छा हरकत नहीं दिए, हाँ ये देखो आ रहे हैं ना सब जगह आ रहे हैं। ये क्या है, चला जी अब आगे चलते हैं दूसरे म्यूजियम में चलते। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें रखी गई हैं ना, तो कहा जाता है कि ये उस वक्त की चीज़ें हैं जिस वक्त ह्यूमन बीइंग को आग जलाना भी ठीक तरह से नहीं आता था। नीचे लिखा हुआ ये देखो सऊदी का वो भी लिखा हुआ, 15,000 साल कबल के लोगों का ये रहन सहन हुआ करता था, और ये ड्रेसिंग कोड है और इस तरह का पहनावा वो लोग पहनते थे। देखें ये सिक्का तो देखें, बड़े बड़े से, हाँ पहले जो चलते थे ना, ये गोल्ड के होंगे आई थिंक, पता ये इसमें लिखावट है कुछ ना, कितनी रिजर्व द हॉल 55 ब्रिज म्यूजियम एंड टैबलेट अराउंड द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। ये जो है ना तो ये वो लोग पैर के शिकार उकार करते थे, मतलब उस तरह से ये बनाया गया। ये तो बड़ा पेगेंट, ये नीचे लिखा होगा किस पे, रॉयल टॉवर रॉक, दो रुपए दो रुपए सफर القدود, नीचे अरे बंद हो गया, किताब बंद, ये नक्शा है। चलो जी अब कहाँ जाना है, केव में देखो अब आ गए केव। ये तो धूप ही से खोल जाएगी चाय, हाँ इतनी धूप है तो चाय। ये देखें इसका पॉपकॉर्न,
ओके थैंक यू। लाइट्स भी होगी पता है, हाँ रात के लिए। यहाँ पे टिकट देखते हैं। चलो जी अंदर अब घुसो। ये देखे लकड़ी का ना इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया है। यहाँ पे कुछ ऐसे ही लिख रखा है, इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन भी है और कुरान की जो आयत है उसका एक्सप्लेनेशन है। अच्छा खुलासा है। हाँ तो वो चीज कुरान की आयत। अच्छा ये क्या लिखा है, सूरह आले इमरान, ये देखे सूरह यूनुस, सूरह निसा, इंग्लिश में भी दिखा दो, ये देखा सूरह नमल, कुरान के अल्लाह, एकदम से लग रहा है गांव वगैरह में जो मिट्टी वगैरह रहती थी ना उस टाइप से। ये लाइट्स वगैरह लगी, हाँ 15,000 साल कब्ल कि इसको जो है दिखाया गया है, पहले ही का बना हुआ है। वो देखो ऊपर जाइए, आप पे जाइए भाई, धूप में तो आंख नहीं खुल रही है। ये देखो जगह जगह शीशा लगा रखा, इतना अच्छा, अब मौसम एकदम अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी अंदर का तो ले लो, अल्लाह अब अर्थ है, अर्थ है, अच्छा अर्थ है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा स्टेयर्स वगैरह है, जा सकते हैं जी। لا 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 ممنوع ممكن ها لا تدخل اپ کو کیا اوئے وہ بھوسا پڑا ہے لا یہ دیکھو تھوڑا سا بیٹھنے کا بنایا ہوا ہے ٹیبل ये इसके यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड जा रहा है। तो सब है बैठा हुआ, इंसान नहीं होगा वो। कसम इधर घुसा हुआ है, देखो अरे कसम अगर गिर गया इंसान है गया। ओ भाई अंधेरा अंधेरा है काफी। आजा आजा चलो भागते हैं। अच्छा तो हम लोग जा रहे हैं वापस क्योंकि एक ही जैसा है, एक ही जैसा है। आप लोग बताओ आप लोग को मजा आया ना, काफी पुराना ये सारा केव जो आप देख रहे हो, ये 15,000 साल कब्ल का केव है और जो है
थोड़ा सा खौफनाक लग रहा था, लेकिन मज़ा बहुत आया। काफ़ी ठंडा है अंदर और बहुत जगह जगह कैमरा लगे हुए हैं और बहुत अच्छा, मतलब कोई वो बात नहीं है, बस ऐसे ही हम लोग थोड़ा फन कर रहे थे, बस मज़ा बहुत आया। ला निकल गए बाहर फाइनली। अब हम लोग बाहर निकल गए हैं, अब हम लोग ना केव के ऊपर जा करके आप लोग को पूरा ऊपर का व्यू दिखाएंगे, ठीक है? तो बस चलें आप लोग मेरे साथ। ये देखें, लग रहा है कि गांव में ना, ये देखें घड़ा घड़ा से मिट्टी निकल रही है। चलेंगे ये रास्ता उधर से, देखो चलो। ये शजर है नसल अलैहिस्सलाम, तो नीचे से शुरू होगा आदम अलैहिस्सलाम। ये देखो सब ऊपर चढ़े, हम लोग बेचारे गिरे तो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह नहीं कहते, थक गए। ये देखो कितना प्यारा है। नो ऊपर अब इतना सा बचा है, ये देखें ऊपर से मैक्सिमम हाइट से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए नजारा, और ये सारा खजूर का, खजूर के पेड़ है। मैं जा रही हूँ, मत जा। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, ऊपर का पूरा व्यू तो मैंने दिखा दिया, अब नीचे चलें, वहाँ बैठते हैं, बहुत थक गए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन कम निकले, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा ग़ालिब और कहाँ वाइज़, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा ग़ालिब और कहाँ वाइज़, पर इतना जानते वो जाता था कि हम निकले। तो आप लोग बताओ व्लॉग कैसा लगा, और ये हिस्टोरिकल प्लेस देखकर आप लोग को मजा आया कि नहीं, कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज।